अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। एक सौ तीन वर्षों से जारी है गुड़ तोड़ने की परंपरा। 103 वर्षों से जारी गुड़ तोड़ने की परंपरा हर दो वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। इस वर्ष गुड़ का ख्याल आयोजन आदिवासी भिलाला समाज द्वारा सप्तमी गुरुवार को किया गया। यह आयोजन भगवानपुरा विकास खंड के धुलकोट में हुआ। खरगोन जिले के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। बताया जाता है कि यह परंपरा दो वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। इसके पूर्व सन 2020 में गुड़दोड़ कार्यक्रम में दो परिवार के सदस्य मंडलोई एवं मोदे परिवार शामिल होते हैं। सात बार गुड़ की पोटली को एक खंभे पर चढ़ाया और उतारा जाता है। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज भूलकोट भी भाग लेता है। अनूठी परंपरा को देखने खरगोन बड़वानी बुरहानपुर खंडवा जिले के नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। दरबार समाज के बुजुर्ग और महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा करीब 103 वर्षों से मनाई जा रही है। इस आयोजन में गांव के पटेल विजय सिंह सोलंकी द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसके बाद गड्ढा खोदकर 12 फीट का खंभा गाड़कर इस पर एक लाल कपड़े में गुड़ व चने की पोटली बांधकर लटका दी गई। उसे उतारने के लिए युवाओं की टीम सोटियों की मार खाने से बचते बचाते हुए उक्त खंभे तक पहुंची। इन पर खूब सोटियां बरसाई जाती है। इस प्रक्रिया को 7 बार पोल पर बांधकर दोहराया जाता है और 7 बार युवाओं की टोली इसे उतारने के लिए जी जान लगा देती है। 7वीं बार में मुकेश मंडली द्वारा गुड़ तोड़ा गया। इस पर्व पर आदिवासी समाज जन लगभग 40 से 50 ढोल मांदल के साथ पारंपरिक सांस्कृतिक वेशभूषा में नाचते गाते पहुंचे। दरबार समाज के पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी, बलिराम निगोले, सुखराम मंडलोई, सुभाष कुमार, मुरली खोड़े, दीपक सोलंकी, दीपक मुजालदे आदि समाज जन उपस्थित थे। सुरक्षा व्यवस्था में भगवानपुरा पुलिस थाना स्टाफ विश्वेश्वर करील, भिकनगांव एसडीपी विजय प्रताप सिंह परिहार, उप निरीक्षक रमेश भास्करे सहित स्टाफ मौजूद था। डीजे न्यूज निवास बोर्ड।